साल में पाएगी। तुम क्या सोच रहे हो डीके? कमाल की बात है भाभी, संध्या की हम शक्ल झोपड़ पट्टी में। भाभी मैं तो उसे देख चुका हूं, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा इत्तेफाक भी हो सकता है। वो चाहे झोपड़ पट्टी में रहती हो या फिर जहन्नम में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने बेटे की रिहाई से मतलब है बस। आई जस्ट होप कोई गड़बड़ ना, वो लड़की कल आ जाए। That's all. वृंदा, तुमने ये ठीक किया कि उन लोगों की बात मानकर उनके साथ वहां जाने से इनकार कर दिया, वरना उन्हें शक हो जाता। मानिक अंकल, गायत्री जी बिल्कुल ठीक कह रही थी। युवराज मेरे मर्डर के केस में बहुत बुरी तरह फंस गया। उस परिवार को इतना लाचार, इतना बेबस मैंने कभी नहीं देखा। यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्हें इतनी जल्दी वृंदा पर भरोसा। वृंदा, ये उन्हीं लोगों का तरीका है। ऐसे कई खेल वो कई लोगों के साथ खेल चुके हैं। ये लोग ऐसे ऐसे प्लान बना दे कि सामने वाला आदमी वही सोचे जो ये लोग चाहते हैं। लेकिन अब बारी उनकी, ये लोग वही देखेंगे जो हम उन्हें दिखाएंगे। बस तुम सारी बातें याद रखना। अपना ख्याल रखना वृंदा, दोबारा उन भेड़ियों के बीच जा रही हूं। मानिक अंकल, अब बहुत फर्क है। अब ना तो मैं लाचार हूं और ना ही बेबस। अब मैं इस दुनिया को अंदर और बाहर से बहुत अच्छी तरह देख सकती हूँ। पहले मैं उस जागीरदार परिवार में बहुत अलग सपने लेकर थी, लेकिन अब मैं युवराज की जिंदगी और उसके सपने जाड़ने के इरादे लेकर वहां जा रही हूं। मैं उसके साथ जिंदगी जीने नहीं, बल्कि उसका जीना हराम करने जा रही हूं। बेटा, फिर भी अपना ख्याल रखो, हमेशा चौकन्ना रहना। आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि अब फिक्र करने की, डरने की और सहने की बारी उन लोगों की। मैं तो बस कल सुबह होने का इंतजार कर रही हूं। कम इन। वहीनी साहब, यही है वो लड़की। क्या बात है बाप, साला तुम लोग का तो बहुत मॉडल लगता है। इतना बड़ा रापचिक कमरा में रहते हैं तुम लोग हैं, और ये बिस्तर तो बाय गॉड यही चमलमल है ना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम भी ऐसे ही रहोगी। ए अंकल, बुढ़िया कौन है? बुढ़िया? देखो बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये वहीनी साहब है, मतलब भाभी। इन्हें तुम आंटी कहकर बुला सकते। नहीं, संध्या मुझे मम्मी जी कहती थी, ये लड़की भी मुझे उसी नाम से बुलाएगी। समझ गई ना भाभी? बेहतर होगा कि ये हमारे साथ कमरे में ना रहे, एटलीस्ट तब तक जब तक कि युवराज केस से बाहर नहीं आ जाता। और हाँ, इसका ये हुलिया बदलना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके इसे वृंदा से संध्या बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने डीके। पंकज, तुम ऐसा करो, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और सरला के साथ रखो उसके रूम में। तुम डीके के साथ शिफ्ट हो जाना।
और सरला को कहो इसे बिल्कुल संध्या के तहत तैयार करे। ठीक है। इन द मीन वाइल डीके और मैं हॉस्पिटल जाके युवराज को एक खुशखबरी देकर आते हैं। हे आंटी जी, मम्मी जी, पहले 10 लाख रोकड़ा इधर ढीला कर। जब तक अपुन को पैसा नहीं मिलेगा ना, अपुन इधर से एक स्टेप नहीं हिलेगी। वैसे भी अपुन को बिस्तर बहुत अच्छा लगा है। डीके, असली है ना सारा? तुम लोग का थोड़ा देख के लगता नहीं तुम लोग कोई असली काम कर सकता है। कुंदर काहे को खाता है? जोक कर रही थी ना, जोक कर रही। आओ चलो बेटा। ए चलती है ना। ठीक है, रात में फोन करती हूँ। ओके बाय। सरला जी, नीरज, अगर तुम संध्या को इन सबकी हैवानियत से पूरी तरह से बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसे कहीं दूर ले जाना होगा। बहुत दूर। सरला चाची, अब तुम वृंदा हो जो संध्या से बिल्कुल अलग है। संध्या, ये क्या होलिया बनाया तुमने संध्या? खा गई ना धोखा? अरे भाई ये संध्या नहीं वृंदा है, संध्या की हम शक्ल। लेकिन सिर्फ हम सकल है, जब ये मुंह खोलेगी ना तो टपोरियों वाली भाषा बोलना शुरू करती है। पहनावा तो तुम देख ही रही हो, संध्या की शकल छोड़कर बाकी इसमें संध्या की कोई भी बात नहीं है। युवराज को बचाने के लिए हम इसे यहां आए। इसे साड़ी पहनना सिखाना तुम्हें। देख क्या रही हो? जाओ, जाकर बात करो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। जाओ।